छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस विधायक का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विधायक नोट के कई बंडल के सामने बैठे हैं। इसके बाद बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मुद्दा खूब राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है, मैं हूं इलमान खान। छत्तीसगढ़ की सियासत में कथित वीडियो क्लिप ने भूचाल ला दिया है। इस वीडियो क्लिप में कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव सोफे पर बैठे हैं और उनके बगल में मौजूद बिस्तर पर नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। यादव के साथ एक शख्स भी बैठा दिख रहा है, जबकि नकदी के पास बिस्तर पर बैठे तीसरे शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है। हैशटैग भ्रष्ट भूपेश सरकार के साथ ही लिखा गया है कि चंद्रपुर के कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव नोटों की गड्डियों के साथ। बीजेपी के सभी नेता इस कथित वीडियो को लेकर बघेल सरकार पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सभी कांग्रेसियों ने बीते 5 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार और माफिया राज की है। बिजली घरों से निकलने वाली राख, रेत, कोयला, शराब समेत सभी जगहों पर माफिया राज का बोलबाला है। बीजेपी के आरोपों पर विधायक रामकुमार यादव ने पलटवार किया है। यादव ने वीडियो को उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश करार दिया। यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ सामंतवादी ये नहीं पचा पा रहे हैं कि गरीब का बेटा विधायक बन गया है। पैसे की तरफ कोई मेरा कोई ध्यान है, मैं खाली बैठा हूँ, मुझे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये चाह रहा है कि ऐसा कोई वीडियो दूर से लेकर के जोड़ कर बता करके इसका छवि खराब किया जाए। तो मैं गरीब के बेटा हूँ, ये गाय भैंस चलाने वाला जिसकी माँ बाप जम्मू कश्मीर में मेहनत किया हो, मजदूरी किए हो, दाढ़ी दिहाड़ी लगाया है। मैं स्वयं जिस गाँव में रहता हूँ वहाँ भी मैं खुद गाय भैंस चलाया हूँ, दूसरे के खेत में काम किया हूँ। और वैसे गरीब का बेटा, गरीब के कोख से जन्मने वाला बेटा अगर राजनीतिक में विधायक विधानसभा के अंदर चला जाता है तो ये जो सामंतवादी है, जो बड़े लोग हैं, जो आज भी लोकतंत्र में वो लोग जो 1947 के पहले अपने आप को जो समझते हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता है। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि गरीब के बेटा कैसे विधायक बन गया, एक मजदूर के बेटा कैसे विधायक बन गया, इसलिए इन लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। रामकुमार यादव का ये भी कहना है कि इससे पहले भी उनके साथ वीडियो वाली साजिश की गई थी, लेकिन जनता ने पहले भी इस तरह की बातों को नकारा है और आगे भी वो हर तरह की साजिश को नाकाम करेगी। आप लोगों को याद होगा जब मुझे टिकट मिला गया कांग्रेस से, तो कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद मेरे बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो सब आप लोग देखे हैं कि रामकुमार यादव ने समर्थन दे दिया पैसा लेकर के। ये भी वायरल हुआ था, पूरे प्रदेश में देश में चला था, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ के, मेरे चंद्रपुर के महान जनता ये बात को जानते हैं कि इस गरीब के छवि धूमिल करने के लिए नाना प्रकार के काम करेंगे। बताएं ना, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं बताएं कि किस उद्देश्य से इसको किया है, वो बताएं सामने में आकर के। चंद्रपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रामकुमार यादव खुद को गरीब के तौर पर पेश करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान में रहने का दावा करते हैं। बताया जाता है कि खुद रामकुमार यादव और उनके पिता कभी बैल चराते थे। रामकुमार यादव बहुत कम उम्र में ही जिला पंचायत के सदस्य भी बन गए थे। इसके बाद से लगातार उनकी तरक्की का सिलसिला जारी है। हालांकि चुनावी साल में ये कथित वीडियो बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन गया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रदेश तक इस कथित वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।